हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर अमेजिंग ब्लॉग। और आज है 18th of September और मैंने जैसे कि आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और मैं अभी वहीं जाऊँगी। मैं पापा के साथ जाऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली ये एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे हर 3 महीने बाद जाना पड़ता है एंड आई रियली हेट गोइंग। सो गाइस, आप देख सकते हो मैं रेडी होके पापा के साथ निकल चुकी हूँ। मैं बाइक में जाऊँगी पापा के साथ और मैं रास्ते में दिखाती हूँ कहाँ जा रही हूँ और फिर बाकी बात करते हैं। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ पापा रिसेप्शन में बात कर रहे थे कोविड के वजह से कुछ नए रूल्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में, तो तभी मैंने देखा कि यहाँ पे भी विश्वकर्मा पूजा हुई है, तो मैं वही बस दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने देखा कि पापा रिसेप्शन में बात कर रहे थे रिसेप्शनिस्ट आंटी से और मैं यहाँ पीछे अकेली बैठी हुई थी। मैं बात कर सकती थी बट फिर मैंने सोचा कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मैं अकेले कैमरा के साथ क्यों बात कर रही हूँ, इसलिए मैं चुपचाप थी। हाई करो, हाय करो। तो यहाँ मैं पापा को बोल रही थी कि कैमरा में हाई करे बट वो नहीं कर रहे थे। तो हमारा यहाँ पे सारा काम हो चुका है। पापा को अपना शुगर टेस्ट करवाना था और मुझे मेरा थायराइड टेस्ट करवाना था, जो TSH होता है, जो मैं मंथली नहीं बट हर 3 महीने बाद करती हूँ। तो वही बस हम करवाने आए थे, बहुत दिनों से नहीं हो रहा था क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका था। तो अभी हमारा काम हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं घर। और घर जाते वक्त रास्ते में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम डायग्नोस्टिक सेंटर से तो निकल चुके हैं, तो वहाँ से क्रॉस करके हम अभी जा रहे हैं मेरे स्कूल की तरफ, जहाँ मैंने मेरे लाइफ के 13 ईयर्स बिताए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे इस स्कूल में अनगिनत मेमोरीज़ हैं, लाइक मैं आपको बता नहीं सकती। और ये हर किसी के लिए अपना स्कूल एक टेंपल होता है, बट ये एक ऐसी जगह है जो मेरे लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है। लाइक फ्रॉम प्ले हाउस टू क्लास 10 मैंने अपना स्कूलिंग यहीं से किया है, उसके बाद मैं दूसरे स्कूल चली गई थी, बट ये स्कूल मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत बहुत बहुत। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट, सब कुछ बहुत ही स्पेशल है। तो अगर मैं किसी दिन स्कूल के अंदर जा पाई, अगर कुछ ओकेशंस में जा पाई, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और आपको भी देख के पता चलेगा कि इतना अच्छा लगता है, इतना पीसफुल लगता है। और
स्कूल तो मैं देख के आ गई बहुत दिन बाद। और राइट साइड में जो आप देख रहे हो मेरे घर के सामने, ये भी एक स्कूल है, ये केंद्रीय विद्यालय है। तो आप सोच सकते हो मैं यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ी, मेरे घर के सामने है, बट मैं बचपन से वहीं पे थी। जब मैं स्कूल में गई तब केंद्रीय विद्यालय नहीं था, तो मैं वहाँ पे मैंने अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया, तो मैं वहीं पे पढ़ती रही, वहाँ पे ही ख़त्म हुआ। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, अभी घर जाके मैं फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। टिल देन बाय बाय। सो गाइस अभी बजे हैं 6:30, 7:30 ऐसा टाइम हुआ है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ एक रेसिपी शेयर किया था, तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो में भी कुछ शेयर करूँ। तो मैं एक बिहारी डिश बनाऊंगी, उससे दाल पीठी या दाल पीठा ऐसे ही कुछ बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो बहुत इजी और सिंपल सा रेसिपी है, बट उसका नाम थोड़ा यूनिक लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ट्राई करते हैं। सो मैं वो बनाऊंगी तो आपको भी दिखाऊंगी। सो लेट्स गो। सो गाइस आपको सबसे पहले आटा गूंद लेना है, जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते वक्त गूंदते हैं। उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ सामान नहीं देना है, कुछ नहीं डालना है, नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे ही। उसके बाद उसे बेल के उसे छोटे सर्कल्स में कट कर लेना है, और फिर उसके बाद ऐसे फ्लावर्स बनाने हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाए। आप चाहो तो आप इसमें कोई और शेप भी दे सकते हो। मैंने कुछ रेसिपीज़ में देखा है कि बहुत लोग इसे बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर डिज़ाइंस में बनाते, बट मेरे लिए बस यही काफ़ी था, मुझे नहीं आता है दूसरा डिज़ाइन, तो मैंने इसी में बनाया है, आप देख सकते हो। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग इन फ्लावर्स के अंदर में भी कुछ फिलिंग्स देते हैं, वो जो अनियन का होता है या किसी और चीज़ का होता है, वो उसका टेस्ट और ज़्यादा होता है, बट मैं उस दिन ये नहीं कर पाई। और इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हो अनियन, गार्लिक, टमाटो, धनिया, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर एंड ग्रीन चिलीज़, और नमक और हल्दी डाल में ऑलरेडी था, आप देख सकते हो। यहाँ तेल गर्म हो चुका है और इसमें मैंने गार्लिक और अनियन दे दिया है। आपको कैमरा उल्टा लग रहा होगा, मतलब वीडियो आपको उल्टा लग रहा होगा, क्योंकि कैमरा मैं उल्टा पकड़ी हुई थी। और कढ़ाई आप देख सकते हो काले रंग का है, क्योंकि ये लोहे का कढ़ाई है और बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है। एंड अनदर थिंग, आपको लाइट कम आ रही होगी, क्योंकि जब मैं ये बना रही थी तब रात हो चुका था और मेरे किचन में जो है ज़्यादा लाइट नहीं है, ट्रूली स्पीकिंग। सो इसमें अभी अनियन में नमक और टमाटो दे दिया है, और ग्रीन चिलीज़ भी। नमक देने से जल्दी सॉटेड हो जाता है, जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और इसके बाद बाकी सारे मसाले दे दिए, जीरा, धनिया और रेड चिली एंड गरम मसाला। गरम मसाला बाद में भी दे सकते हो। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी इसमें बॉयल्ड दाल, इसमें नमक और हल्दी है, वो मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है कुछ देर। और फिर जब इसमें बबल्स आते रहे तब इसमें ये आटे के फ्लावर्स जो है ये दे देना है। इस फ्लावर्स को ना फ्राई करना है, ना ड्राई रोस्ट करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे डायरेक्टली इसी ग्रेवी में दे देना है। और इसे ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, वरना ज़्यादा टाइम रखने से ये टूट जाएगा। जब इसमें फिर से बबल्स आ जाए, ऊपर से धनिया गार्निश करके फिर इसे सर्व कर देना है, एंड इट इज़ डैम टेस्टी, जस्ट ट्राई इट। वीडियो यहीं तक था। बहुत गर्मी, आप देख सकते हो पूरा पसीना हो चुका है, एंड बहुत गर्मी, ऊपर से किचन में और भी गर्मी लगती है। वैसे आप बैक साइड में वो देख सकते हो, वो वहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में फ़ोन यूज़ करती थी तो रिचार्ज के लिए नंबर होते थे, तो मैं उसे यहाँ पे लिख के रखती थी 2G 3G, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था नंबर, तो मैं उसे यहाँ पर लिख के रखती थी। सो आज का व्लॉग यहीं तक रहा। Stay happy, stay healthy. Subscribe to my channel, like, share and comment अगर आपको अच्छा लगा तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।